Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So we'll discuss the important news of today's newspaper, and the first news is PM calls for secular civil code in Independence Day's speech. So हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से एम्फेसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है. और ऐसी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंश्योर होगी. सो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त की स्पीच में ये कहा है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हैं तो उससे देश में इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है और जो कि आर्टिकल 14-18 तक दिया गया है, वो एंश्योर होगी. अब पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है. देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिए गए हैं, और आर्टिकल 44 जो है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, मतलब उसका एक हिस्सा है. और उसके अनुसार ये स्टेट की ड्यूटी है और स्टेट ऐसा प्रयास करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए. अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि देखिए, हमारे देश में जो भी पर्सनल मैटर्स हैं अलग अलग रिलीजियस के लोगों के, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके अपने पर्सनल लॉ से वो मैटर गवर्न होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदुओं की शादी है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट से होती है, मुस्लिम की शादी मुस्लिम लॉ से होती है, क्रिश्चियन की शादी क्रिश्चियन लॉ से होती है. इस तरह से अभी डिफरेंट कानूनों से सबके पर्सनल मैटर्स, पर्सनल मैटर में आते हैं हमारे मैरिज, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ईटीसी, ये सारे मैटर्स आते हैं. तो वो अभी हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि सभी के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो डिफरेंट कानून से गवर्न होते हैं. लेकिन अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सबके मैटर्स जो हैं वो एक ही कानून से गवर्न होंगे. तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 15 अगस्त की स्पीच पे इस बात पर एम्फेसाइज किया. नेक्स्ट, उन्होंने फिर से वोमेन सेफ्टी की बात करी, और वोमेन सेफ्टी की जो बात उन्होंने करी वो करी अभी जो कोलकाता में एक बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ है, जहां पर किसी डॉक्टर के साथ रेप किया गया. तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो भी पर्सन इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है उनको कठिन से कठिन पनिशमेंट दिया जाना चाहिए. फिर उन्होंने कहा फोर्सेस ऑफ एनार्की, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इस तरह की फोर्सेस हैं जो हमारी देश की इकोनॉमी को, हमारी देश को स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं. जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई है, और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पहले आई थी अडानी ग्रुप के खिलाफ, और उसमें ये कहा गया था कि जो अडानी ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करता है, और जिसकी वजह से उसने अपनी कंपनियों को काफ़ी आगे बढ़ाया है. अभी रिसेंटली फिर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है, और जिसने एलिगेशन लगाए थे कि जो हमारी सेबी एक संस्था है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके जो चेयरपर्सन हैं वो भी खुद अडानी ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, इस तरह के एलिगेशन लगाए हुए थे. तो उन्हीं पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काउंटर अटैक किया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की फोर्सेस जो हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो हमें डीएस्टेबलाइज करना चाहती हैं इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन मार्केट को. अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पर, और दूसरी न्यूज हमारी ये है, सेंटर लॉन्चेस न्यू एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम टू मैनेज पेस्ट्स, कनेक्ट साइंटिस्ट विद द फार्मर्स. तो यहाँ पर एक नया सिस्टम जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका है वो है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, NPSS. ये क्या है? इट इज पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका मेन पर्पज क्या है कि ये किसानों को कनेक्ट करेगा किसके साथ? साइंटिस्ट के साथ, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है उनके साथ. अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, क्या है कि जो आज हमारे देश में जो भी फार्मिंग होती है, पहला पॉइंट तो ये है कि जो इंडिया है
वो किसानों का देश है, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है 70% पॉपुलेशन का अपना जो व्यवसाय है वो खेती है। तो इसका मतलब हमारे देश में जो किसान लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा वहां से आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो किसान है अब वो अपनी फसल को ग्रो करने के लिए बहुत सारे खाद या बहुत सारे केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है हम आम लोगों पर भी पड़ता है जब हम उस फूड को खाते हैं जिसका कि जिसको कि ग्रो किया गया है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स या बहुत सारे केमिकल्स देकर। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो पेस्ट कंट्रोल की प्रॉब्लम है उसको किसान अपनी कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह का मैकेनिज्म बनाया गया है कि किसान अपनी फसल का फोटो खींचकर साइंटिस्ट को भेज सकते हैं और साइंटिस्ट फिर उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो देखिए ऐसा तो फिजिबल नहीं है कि हर किसान हर साइंटिस्ट से मिल ले, लेकिन ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है कि मान लिया किसी की फसल है उसमें फसल में किसी तरह की कोई बीमारी है या कोई पेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो किसान के पास ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसका फोटो खींच के साइंटिस्ट को भेज देगा और साइंटिस्ट उसके रिगार्डिंग रेमेडी उसको बता देंगे। इस तरह का नया सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इट हेल्प आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल पेस्ट अर्ली, अलाउिंग फॉर फास्ट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो यानी कि जो पेस्ट की समस्या है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। असिस्ट इन यूजिंग द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एट द राइट टाइम, और ये भी बताएगा कि उनको पेस्ट की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए पेस्टिसाइड की और किस समय पर कितनी क्वांटिटी फसल में लगानी चाहिए। नेक्स्ट है एनहेंसेस फार्मर्स कॉन्फिडेंस, इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्ट सॉयल हेल्थ। तो ये फार्मर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और जो सॉयल की हेल्थ है उसको मैनेज करेगा। सॉयल भी खराब हो जाती है जब उसमें बहुत ज्यादा केमिकल लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नो एडिशनल फंडिंग इज नीडेड एज इट इज ए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है और जहां से किसान अपनी जो फसल है उसमें कोई बीमारी है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसका फोटो खींच के वो डायरेक्टली कहाँ भेजेंगे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को। हैव टू लिव इन फियर, वेयर इज द फ्रीडम फॉर वुमेन। अब यहाँ पर क्या है कि जो 15 अगस्त के मौके पर कुछ जो फीमेल हैं उन्होंने दिल्ली में कैंडल मार्च किया और उन्होंने ये कहा कि जो वोमेन है, वोमेन को वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिला हुआ है और आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है और आर्टिकल 19(1)(d) जो है हमें फ्रीडम देता है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, आप फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो एक्चुअली हैं कहाँ पर, क्या हमको वो प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं, और प्रैक्टिकली अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों इसलिए नहीं है कि जो वोमेन के खिलाफ ऑफेंसेस हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से जो वोमेन की फ्रीडम है, वोमेन की जो इंडिपेंडेंस है उसको छीन लिया गया है। तो उन्होंने फिर ये इसी बात को कहा कि भाई हमें वोमेन को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए और इस तरह का एटमोसफियर रहे ताकि वोमेन जो है अपने राइट्स को दोबारा से रिक्लेम कर सके। और ये इनका कहने का जो रेफरेंस था वो था अभी जो कोलकाता में जो एक दुर्घटना हुई है, एक जो डॉक्टर थी उसके साथ रेप किया गया और फिर उनका मर्डर कर दिया गया, तो उस रेफरेंस में इन्होंने बोला कि वोमेन को उनके राइट्स दोबारा से दिए जाने चाहिए। इस रिगार्ड में उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि कुछ स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाएं और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी किया जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ओवर 1000 तिहार इनमेट्स गेट्स स्पेशल रेमिशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेमिशन का मतलब क्या होता है। रेमिशन का मतलब होता है किसी प्रिजनर की सजा को कम कर देना, रिड्यूसिंग द सेंटेंस, या उसको कुछ दिन के लिए रिलीफ दे देना। तो इंडिपेंडेंस डे पर 1000 जो कन्विक्ट थे तिहाड़ जेल में उनको कुछ वो दिया गया, रेमिशन दिया गया, यानी कि उनको छोड़ दिया गया। अब इसमें देखते हैं आगे प्रोविजंस क्या थे।
1,160 inmates were granted remission, ranging from 15 to 20 days based on the conduct in prison. अब देखिए जो remission है ये इस आधार पर दिया जाता है कि उस person का conduct during the imprisonment कैसा रहा. अगर वो person during the imprisonment सही रहा, उसका behavior सही रहा, उसने कोई और illegal activity नहीं करी, किसी दूसरे crime में involved नहीं हुआ, या जो police department है या जो अंदर के अधिकारी हैं उनके साथ कुछ misbehave नहीं किया, तो इस आधार पर क्या मिलता है, उसको remission मिल जाता है. अब देखिए क्या है कि हमारे देश में जो अभी तीन नए कानून लागू हुए हैं 1 जुलाई से, तो उसके बारे में क्या बोला गया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल प्रिजन इन दिल्ली. तो क्योंकि ये 1 जुलाई से लागू हो गए थे तो इनको हर जेल में भी लागू कर दिया गया. द प्रोसेस फॉर ऑनलाइन प्रोडक्शन ऑफ इनमेट्स बिफोर कोर्ट्स इन इज इन एन एडवांस स्टेज और एडवांस ट्रेनिंग. अब देखिए क्या है, ये ऑनलाइन प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है. आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो गैंग वार्स होती हैं उसमें क्या होता है कि अगर जनरली जो इनको अपराधियों को मारा जाता है, एक तो मारती है पुलिस एनकाउंटर करके, तो अगर ये पुलिस पे अटैक करते हैं तो पुलिस के पास भी राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है, तो पुलिस उनको मार देती है. लेकिन गैंग वार में जनरली क्या होता है कि जब किसी अपराधी को जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान ले आया जाता है तो उसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है, उनकी उनको मर्डर कर दिया जाता है उनका, ठीक है, कोई दूसरा राइवल ग्रुप उनको शूट कर देता है. अब ऐसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए ऑनलाइन प्रोडक्शन का जो है एक सिस्टम जनरेट किया जा रहा है ताकि उनको ऑनलाइन ही जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश कर दिया जाए. अब जिससे क्या होगा कि उनको बार बार बाहर ले जाने लाने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो बचेगा और साथ ही साथ जो हमारे क्रिमिनल्स हैं उनकी भी जो जान है वो बच पाएगी और उनको कानूनी तरीके से सजा मिल पाएगी. क्योंकि किसी पर्सन ने अगर अपराध किया है तो उसको सजा कानूनी तरीके से मिलनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा गैंगस्टर उसको किल कर दे. नेक्स्ट, अब हमारे देश का जो सिस्टम है वो किस पर फोकस करता है. हमारे देश में सिस्टम फोकस करता है रिफॉर्मेशन पर, तो वी फॉलो द रिफॉर्मेटरी थ्योरी. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिफॉर्मेटरी थ्योरी का मतलब क्या है कि देखिए ऐसा मानता है हमारा देश कि अगर किसी पर्सन ने कोई अपराध किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस रही होंगी और कोई भी पर्सन बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता. तो अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है तो उसे हमें सुधरने का मौका देना चाहिए ताकि वो फिर से सुधर कर अपनी सोसाइटी में फिर से दोबारा एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीवन जिए. तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उनको रिमिशन दिया जाता है या उनको बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कल को वो लोग जेल से छूटेंगे तो वो कोई अपना व्यवसाय कर सकते हैं. देखो यहां पे लिखा हुआ है फोकस ऑन करेक्शनल फिलॉसफी, यानी कि उनको करेक्ट करना चाहिए और उन्होंने जो गलत किया है उसको करने के बाद, उनको सजा के बाद एक मौका दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी उनको थोड़ा एजुकेट किया जाए, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए. एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स, अब यहाँ पर बहुत सारे कैमरा जो है लगाए गए हैं ताकि उनमें जो गैंगवार है जो ड्यूरिंग द जेल ही उनके आपस में फाइट हो जाती है उसको रोका जा सके. मोबाइल जैमर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन 6 जेल विद इन द तिहार प्रिजंस कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली नियर हाई सिक्योरिटी वार्ड. तो वहां पर मोबाइल जैमर लगाए गए हैं ताकि जो अपराधी हैं वो मोबाइल से किसी दूसरे अपराधी से किसी प्रकार की कोई बात करके कोई कॉन्स्पिरेसी ना क्रिएट कर सके. नाउ ऑन इंडिपेंडेंस डे फार्मर्स प्रोटेस्ट टू हाईलाइट देयर MSP डिमांड. तो इंडिपेंडेंस डे पर फार्मर्स ने भी ये प्रोटेस्ट किया कि उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड है वो फुलफिल की जानी चाहिए. अब हम समझते हैं ब्रीफ में कि व्हाट इज दिस MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है. जब किसान किसी फसल को ग्रो करता है तो उस टाइम पर उसकी फसल का रेट कंपैरेटिवली काफी कम होता है और जैसे ही वो अपनी फसल को बेच देता है तो उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अब यहाँ पर हमारे देश के जो सभी किसान हैं वो एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो फसल है कुछ फसलों का जो है
मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या डिसाइड करना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि अब अगर किसान अपनी फसल को मार्केट में बेचने जा रहा है तो उसे एक मिनिमम प्राइस मिलेगा, और मिनिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस से नीचे ना तो सरकार खरीद सकती है ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल खरीद सकता है। तो ये किसानों की डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज एंड दिस इज ग्रांट ऑफ फर्स्ट सिटीजनशिप अंडर CAA इन आसाम ट्रिगर्स प्रोटेस्ट। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि 2019 में आया था, उसमें पहली सिटीजन दी गई है मिस्टर दोलोन दास को, ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से हैं। बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द नॉर्थ ईस्ट टू बी ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर द CAA ऑन 13 अगस्त। तो मिस्टर दोलोन दास जो हैं, इनको पहली सिटीजनशिप दी गई है और ये बांग्लादेश से आए हैं, और ये सिटीजनशिप इनको 13 अगस्त को दी गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस सिटीजनशिप के अगेंस्ट जो है कुछ प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट क्यों हुए, जो क्रिटिक्स हैं, मतलब जो इसको इसकी आलोचना करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो सिटीजनशिप देना, ये आसाम अकॉर्ड 1985 का क्या है, वायलेशन है। क्यों वायलेशन है, क्योंकि आसाम अकॉर्ड ये कहता है कि अगर कोई पर्सन दूसरे देश का हमारे देश में आता है और गलत तरीके से एंट्री करता है तो हमारा राइट ये है कि हम उसको डिपोर्ट करेंगे, उस इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन बांग्लादेश से आया और उसको हमने सिटीजनशिप दे दी, तो कुछ लोग इसको क्या मान रहे हैं, कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि दिस इज द वायलेशन ऑफ दिस आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट इज अ लीगल लॉ, ठीक है, इट हैज बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, तो अगर उसमें सिटीजनशिप देने का प्रोविजन है तो इसको हम इलीगल कैसे मान सकते हैं, एंड हाउ कैन वी कंसीडर दैट इट इज इन द वायलेशन ऑफ आसाम अकॉर्ड, बिकॉज बोथ आर द लॉज। CM unveils scheme for youth, target 1 million MSME units in UP। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट ऑफ यूपी है उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स हैं, एंड हाईलाइटेड वेरियस डेवलपमेंट वर्क टुवर्ड कंप्लीट बाय दिस गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी सरकार ने बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य के लिए उनको बताया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी में कौन सी नई योजना आई है, तो इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। अब इसमें ये कहा है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई स्टूडेंट अब बाकी आगे जाके जॉब में नहीं जाना चाहता और वो अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए सरकार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, और उसी में उन्होंने कहा है कि सरकार का जो टारगेट है वो नेक्स्ट 5 ईयर में 1 मिलियन MSME नई बनाना है। MSME का मतलब है मीडियम एंड ये स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब छोटी छोटी कंपनीज बनाने का टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरह से जो यूपी गवर्नमेंट है वो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस करेगा तो वो 10 लोगों को और भी रोजगार देगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, व्हाई डिड जापान्स प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन। तो देखिए, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है फुमियो किशिदा, इन्होंने अनाउंस कर दिया है 14 अगस्त को दैट ही वुड स्टेप डाउन एज लीडर ऑफ द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नेक्स्ट मंथ, एंडिंग हिज प्रीमियरशिप अर्ली। तो यहां पर जो मिस्टर फुमियो किशिदा हैं, ये अपने प्रधानमंत्री के पद से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब इस रेजिग्नेशन देने का पर्पज ये है कि जो इनकी पार्टी है और कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग जो हैं इनके खिलाफ कुछ स्कैंडल कर रहे हैं, और इनका जो पॉपुलैरिटी है वो जापान में कम हो गई है। तो ऐसा मानना है कि जो काफी परसेंटेज ऑफ लोग हैं जापान के, वो इनको प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते और इनकी जगह वो किसी और को देखना चाहते हैं।
हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो काफी कम हो गया है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है या अपने आपको स्टेप डाउन किया है फ्रॉम दैट पोजिशन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, हाउ कैन ट्रैफिक विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन टू बी कंट्रोल्ड। तो देखिए, हमारे देश में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम कुछ डेटा देखते हैं। इंडिया हैज 83 ऑफ 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ग्लोबली। तो अगर 100 ग्लोबल सिटीज को देखें हम जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, उसमें से 83 भारत में पाए जाते हैं। सेकेंड है, एयर पॉल्यूशन कॉजेज 2.1 मिलियन डेथ एनुअली इन इंडिया, सेकेंड ओनली टू चाइना। तो हमारे देश में 2.1 मिलियन डेथ जो है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है हर साल, चाइना से सेकेंड नंबर पर है हम। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, ओवर 99% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ब्रीथ एयर बिलो द WHO स्टैंडर्ड। यानी कि हम लोग जो 99% लोग हैं भारत के, वो WHO के द्वारा प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड से हम कम पर ब्रीथ लेते हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते। नेक्स्ट है हमारा CO2 एमिशन। अब देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है तो उससे CO2 ज्यादा एमिट होता है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ इंडिया CO2 एमिशन। तो 12% जो भारत का CO2 एमिशन है वो केवल रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, हैवी व्हीकल्स आर प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ PM2.5 एमिशंस। तो ये हैवी व्हीकल की वजह से इस तरह का वो होता है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी इसकी वजह से ही एमिट होती है एनवायरनमेंट में, और जो कि हमारी एयर की क्वालिटी को और ज्यादा खराब बनाती है। नाउ, अब मीजर्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, इसको कम करने के लिए हमने क्या मीजर्स लिए हैं। तो देखिए, द ट्रांजिशन फ्रॉम द मॉडिफाइड इंडिया ड्राइविंग साइकिल MIDC टू वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने मॉडिफाइड इंडिया ड्राइविंग साइकिल से हमने ट्रांजिट किया है वर्ल्ड लाइट व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर पर। बाय 2027 हम ऐसा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो काफी कम होगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, अब ये हमने 2022 में इंट्रोड्यूस की। इट मैंडेट फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल इंक्लूडिंग हैवी व्हीकल्स। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पेट्रोल और CNG की कार है वो 15 साल तक ही चलती है, तो उसका मेन रीजन यही है ताकि अगर वो 15 साल से ज्यादा चलेगी तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और क्रिएट करेगी, बहुत ज्यादा CO2 या नाइट्रोजन एमिट करेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो डीजल की कार है वो केवल 10 साल ही चलती है, क्योंकि डीजल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। नाउ रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर एक्शन, अब क्या क्या रिकमेंडेशंस है आगे एक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है मास ट्रांजिट एम्फेसिस, यानी कि लोगों को पूलिंग करनी चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर इंडिविजुअल कार लेके चलेगा तो उससे रोड पे भी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा और ये CO2 या नाइट्रोजन भी ज्यादा एमिट होगी। तो लेकिन अगर हम कार पूलिंग करेंगे तो इस समस्या को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। तो जो भी हमारे देश में एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है तो वो मैंडेटरीली इशू होना चाहिए, और उस पर सरकार ने फाइन भी काफी ज्यादा लगाया है जो कि 10,000 रुपए है। ठीक है, तो अगर लोग स्ट्रिक्टली इसका फॉलो करेंगे जो कि हमारे एग्जिस्टिंग कानून है, तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसकी मात्रा को कम करें। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो इंडिया है वो कैसे है, एक डिफेंस में
ग्लोबल हब हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो हम डिफेंस है, डिफेंस पर हम काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और डिफेंस का बजट हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले हम क्या करते थे, जो डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं या वेपन्स हैं वो हम दूसरे देशों से खरीदा करते थे, लेकिन आज की हमारी पोजीशन ये है कि आज हम बहुत ज्यादा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे वेपन या हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो संसार के बहुत सारे देश अब हमसे ले रहे हैं। तो उसी बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा है डिफेंस एक्सपोर्ट। अगर हम पहला हेडिंग देखें, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट रीच्ड अ रिकॉर्ड 21,083 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना 32.5% बढ़ गया है प्रीवियस ईयर से। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 डिफेंस एक्सपोर्ट जंपिंग 78% टू 6915, यानी कि पहले कितना था, पहले था हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 3,885 करोड़ रुपए और अभी हमारा हो गया है 6,915 करोड़ रुपए। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफेंस में काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड इंडिजनाइजेशन लिस्ट एंश्योरिंग दैट ओवर 5,600 डिफेंस आइटम्स विल बी प्रोक्यूर्ड ओनली फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यानी कि जो डिफेंस के 5,600 आइटम्स हैं वो हम अपने देश में ही उनको प्रोड्यूस करेंगे और जो भारत की इंडस्ट्रीज है उनसे ही हम लेंगे, यानी कि इनको हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हम डिफेंस के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री जी ने वोमेन की सिक्योरिटी को फिर से रिआइट्रेट किया और यह भी कहा कि जो वोमेन का रोल है वो डिफेंस में काफी ज्यादा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, मोदी एम्फेसाइज द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप ऑफ वोमेन इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड स्पेस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो वोमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है और वोमेन का रोल है वो हम डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी हमारी सारी सेनाएं हैं, बी इट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ETC। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे। I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.